नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट से जुड़ी एक और खास वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यार पंजाब टीम के बारे में। जी हाँ, तीन बड़ी अपडेट आप सभी लोगों को बताऊंगा आज के इस वीडियो में। हालांकि अपडेट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है और इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। अगर हम पहले अपडेट की बात करें तो यार देखिए, जॉनी बेस्टो पंजाब टीम के साथ जुड़ गए हैं, मुलानपुर वो पहुँच चुके हैं और प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि अगर हम क्रिस वोक्स और सिकंदर राजा की बात करें तो इन्हें लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगर अपडेट जैसी आएगी मैं आप सभी लोग को दे दूंगा। और इसके अलावा देखिए तो अथर्व टाइडे, जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया था, रणजी ट्रॉफी के फाइनल में इनकी टीम गई थी विदर्भ, और इसीलिए ये पंजाब टीम से थोड़ा लेट जुड़ने वाले थे। लेकिन फाइनली जॉनी बेस्टो जिस दिन जुड़े, यानी कि 19 मार्च को, उसी दिन अथर्व टाइडे भी पंजाब टीम के साथ जुड़ गए और मुलानपुर पहुँच गए। और आप सभी लोग को पता है अथर्व टाइडे कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक फॉर्म अच्छी थी। ऐसे में प्रभ सिमरन सिंह और अथर्व टाइडे में लड़ाई होगी, किसे मौका देगी पंजाब की टीम प्लेइंग 11 में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो यार देखिए, पंजाब टीम की मालकिन प्रीति जिंटा ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मतलब रेड अलर्ट लिखा, और ये पोस्ट धीरे धीरे वायरल भी हो गई। हालांकि ये पोस्ट उन्होंने किस वजह से किया इसके बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन फैंस का मानना है कि उन्होंने ये पोस्ट पंजाब टीम के लिए किया है और सभी टीमों को अलर्ट कर दिया है। और जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, पंजाब टीम के पास अच्छी गेंदबाजी क्रम है, अच्छे स्पिनर्स हैं, बल्लेबाजी एक कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल देखिए तो पंजाब की टीम इस साल बेहतर टीम लग रही है। और कप्तानी अगर शिखर धवन अच्छी करते हैं और साथ ही मिडिल ऑर्डर अगर पंजाब टीम का चलता है तो बेशक ये बड़ी बड़ी टीमों को छका सकते हैं। हालांकि अभी भी पंजाब टीम से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में दे नहीं पाई है पंजाब की टीम। और तीसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो यार देखिए, वो है जर्सी को लेकर। जी हाँ, जर्सी क्यों चेंज की है पंजाब की टीम, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को इसका कारण नहीं पता होगा। हालांकि पंजाब की टीम पिछले 3 साल में जर्सी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो कर ही रही है, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो पहले पंजाब की टीम रेड और सिल्वर कलर की जर्सी पहनती थी, इन दोनों कलर का कॉम्बिनेशन होता था इनके जर्सी में। लेकिन उसके बाद इन्होंने इस जर्सी को हटा दिया और अपनी जर्सी का कलर पूरा ही रेड कर दिया, और पिछले 2 साल में रेड कलर की ही जर्सी पंजाब टीम के खिलाड़ी पहन रहे थे। और इस साल भी देखिए तो रेड कलर ही है, थोड़ा सा उसमें अलग कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए तो येलो रेड का कॉम्बिनेशन रखा गया है जर्सी में। हालांकि आप लोग को ये नहीं पता होगा कि जर्सी क्यों हटाई गई वो, तो देखिए प्रीति जिंटा ने यहाँ पर खुद एक बयान जारी करते हुए बताया कि हमारी जर्सी पहले रेड, ग्रेड और सिल्वर कलर में थी, लेकिन फिर बीसीसीआई ने बॉल को देखने में होने वाले प्रॉब्लम्स के कारण सिल्वर, ग्रे और सफ़ेद रंग पर बैन लगा दिया। इस वजह से हमने रेड कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना सही समझा, यानी क्योंकि यार देखिए सिल्वर कलर जो होता था उसमें थोड़ा बॉल को देखने में परेशानी होती थी, खास करके नाइट वाले मुकाबले में। हालांकि डे के मुकाबले में भी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन सिल्वर और जो रेड कलर की जर्सी थी उसे बैन करने का कारण ये था कि बॉल को देखने में परेशानी होती थी, इसीलिए पंजाब टीम ने अपने जर्सी का कलर पूरा रेड किया। और अब हम देखें तो रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है, वाइट बहुत कम दिखता है पंजाब टीम की जर्सी पे। बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपके भाई का दूसरा चैनल भी है, उसे भी जाके चेकआउट करो, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।